हमारी नाव बुकिंग हो चुकी है। अब ये जैकेट पहननी है और इनको अच्छी तरीके से पहननी है। खाना नहीं खाया हमने तो वजन कम हुए हैं अभी। और हमने शेयरिंग वाली नाव ली है ताकि एक और भी साथी लोग रहे तो ठीक ही है घूमने में। ये देखिए इतनी सारी जैकेट पहनी है, इसमें से बढ़िया मेरे लिए भी देखे एक बढ़िया सी, मेरे साइज की देखना किन्तु। बन चुके हैं अभी मणिपुरी बॉय और ये हमने स्विमिंग जैकेट पहन ली है और सर को धूप से बचाने के लिए छत्तानुमा भी पहन ली है। हमारे साथ युंगरी अपना बैग रख के आ रहा है, ये टोपा लगा है मणिपुरी, तो ये इसमें लगा लिया। ये हमारी नाव है, ये हमारे नाविक है, इसमें जाएंगे हमें बैठ के ओढ़ ले और जैकेट को ठीक से पहन लेना एकदम। चलो सीट रोको, मैं आगे आगे बैठ लू। तो हम लोग जा रहे हैं, इंजन चालू, पानी में तक खेल लिए गए हैं। और ये ऐसी टाइम चल रही है, मैं आगे बैठा था तो नहीं चलते रही है, तो पीछे चल रही है। अरे आगे वाला गियर घाल, बैग वाला क्यों घाल दिया काका। और अब चल ले दे भाई, और ये दोस्तों हम लोग हैं, तो दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं अभी लेक टक झील। इम्फाल से 100 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट क्या है यार, विष्णुपुर में। ये मणिपुर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये सबरा एकदम बहुत हार। ये देख रहे हैं आप मणिपुर की लोक टक झील में भाई, ये काम की चीज है, इससे बढ़िया काम होगा बिल्कुल धूप नहीं लग रही। लेकिन ये टोपा उड़ गया तो दिक्कत है फिर। ये हमारा 15 मिनट का ड्राइव है, रुपए लगे 500 और बड़े आराम से बैठे पैर पसार गए, तीन ही लोग आए हम। और ये हमारा नाविक भाई ड्राइवर जोर का ही। अब ये पता नहीं जनरेटर की आवाज मेरी आवाज कैमरे में आ रही है कि नहीं है। पानी है, बीच में मिट्टी है। अभी आपको सामने का नजारा दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं साफ स्वच्छ पानी है, गहराई का पता नहीं। 15 मिनट का रनिंग है, मजे आ रहे हैं भाई। मजा आ गया कसम से। अरे नाव दबे लागी बदल जाता हो। नीचे से घास दिख रहा है,
बारिश के बीचों बीच निकलना है। नाव दबने लग गई है, हम तो खाने भी नहीं खाए, फिर भी इसमें वजन हो गया लग रहा है। लेकिन पानी है ना, ज्यादा नहीं है, दो एक फुट पानी है, लेकिन नीचे कीचड़ होगा। तो ये देख रहे हैं आप लोकटक झील मणिपुर में। तो भाई मजा आ गया, तो छह लोगों वाली बड़ी नाव है। वो सामने आप देख रहे हैं जो पहाड़ और वहां पे जो नीली नीली, वहां तक जाना हमको वापस इस ट्रेन पे। टापू तैर रहा है, देखो ये तैर गया टापू। ये रिजर्व में लगी गाड़ी और हम लोग अभी दूर है। दे देखा रिजर्व में लग गई गाड़ी सही में। ये लो जी हमारी नाव, और ये हवा से मुड़ गई दूसरी दिशा में। ये देखो जिधर से आ रहे थे उधर ही मुंह हो गया इसका। ये लो जी कचरा आ गया था इंजन में। चल भाई चल। अरे बैरू जी की बोतल बोल दे, पूछा है ये तो नाव फिर से चालू हो गई। चाल चाल थोड़ी दूर और दे। हम लोग हैं मात्र अभी 50 फीट दूर है यहाँ पे आ गए, और नाव अभी कभी भी बंद हो सकती है ऐसी सिचुएशन में है। लेकिन हम लोग आ गए एकदम किनारे पे आ गए, पहुंच जाएगी ये। और भाई टकरा दिए सीधी, पकड़ लिए बस छिड़ला गए वो। लगा 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 ही
जोर लागे रगड़ को। इसमें बहुत आधुनिक कामें हैं और सुजुकी के इंजन लगे हैं बड़े साइज के प्रेशर वाले, तो क्या धुआंधार स्पीड होगी, धूम की तरफ 2400 लोग बैठ सकते हैं एक नाव में, तो इतने तो हम तो दी नहीं है, इसलिए बड़ी वाली नाव हमने दी नहीं है, हम छोटे से काम चला लिए, लेकिन आप आए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और हवा चल रही है शानदार, बहुत सारे पक्षी यहाँ पे पक्षी भी उड़ रहे हैं और ये झील क्या मीठे पानी की जहाँ तक नजर जा रही है आपकी वहाँ तक है, और इसमें टाइमिंग है 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, उस हिसाब से कितना घूमना है उस हिसाब से आपको नाव करनी है, उस हिसाब से पेमेंट करना है, तो मजा आ गया। देखो आप लोग भी घूमने आओ, डीप करने के लिए, और ये G20 जो देशों की सबमिट हुई है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार जोर से है, तो हम लोग यहाँ से अभी नेक्स्ट जाएंगे, हमारा एक रेलवे का खेती है वो चला गया है मॉर्निंग, हम म्यांमार में चला गया है, तो हम लोग उसको म्यांमार में लेने के लिए जा रहे हैं अभी, तो हम लोग वहीं रवाना हो रहे हैं, तो चलते हैं ब्रह्मा। ये देख रहे हैं आप मणिपुर में लेक तक झील की टेक्नोलॉजी, हवा से बिजली बन रही है और धूप से, और फिर ये आपके यहाँ बैटरी में स्टोर हो रही है, सफाई बहुत अच्छी है, मतलब जिसको आप A1 बोल सकते हैं, रोड देख लो चाहे झील देख लो, एक भी कचरा और प्लास्टिक नहीं नजर आएगा। चलते हैं, भूख लग गई है, खाने की तरफ देखते हैं क्या क्या इंतजाम है खाने में यहाँ। आइए नज़ारा देखो आप, तो हाँ वो ये देखिए रोड सुंदरता, और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, सूखी सूखी मछली नजर आ रही है मेरे को दूर से ही, ये यहाँ का स्थानीय मार्केट है, खाने का तो क्या है। यह है सुखना मछली, आप देख के फट जाएगी, खाने की तो सोचो, राम ही जाने क्या किया है। ये छोटी मछली के जोड़े, बड़ी मछली, फिर छोटी मछली, फिर छोटी मछली, आप मैं एक पहाड़ी पे चढ़ गया, आपको लोकटक झील का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख के आप, ये पानी उस पहाड़ तक मिल रहा है जहां तक नजर देख पा रही है, और इधर तो मेरे को लगता है ये समुद्र के जैसा ही है, लग रहा है जैसे बर्मा में जा रही हो, ये इतनी बड़ी झील है ये। अभी आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ इसको, लोकटक झील को, ये पीछे से दिखाया था इधर व्यू, अभी उसके दूसरी तरफ जो सामने का व्यू है वो दिखाता हूँ आपको, लोकटक झील मणिपुर का आपको 360 व्यू दिखाता हूँ मैं, एक पहाड़ी पे खड़ा हुआ हूँ तो इस झील के बीचों बीच है, और आप इसका एरिया देखिए जहाँ तक आप देख पा रहे हैं नज़र वहाँ तक है, देखे आप इसकी खूबसूरती, और जहां तक नजर जा रही है ना वहां तक पानी है, ये आपको 360 डिग्री पूरा हो गया, यहीं से स्टार्ट किया था मैं और ये वापस यहाँ पे आ गया, घूम लो आप मणिपुर को, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा नजारा, लोकटक होटल, लोकटक झील। अरे अल्टो साइड में हो जा, हमारा ऑटो है खतरनाक, कहीं लग भीड़ गई तो टूट जाए, ये झील में उग गए भाई, क्या उग गए जो भी है सिंगाड़े।